आज आपके शो पर एक बहुत बड़ी बात एक्सपोज करने वाला हूँ। आज तक आपने लव जिहादियों का नाम ऐसे सुना होगा कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आज मैं एक ऐसा चेहरा उजागर करने जा रहा हूँ आपके सामने, जहाँ पर के एक मुस्लिम लड़की ने अब ये लड़कों के अलावा लड़कियों को भी लव जिहादी बना रहे हैं। अब देखिए, गोंडा की नाजरीन अंसारी, ये सोनिया बनकर के फेसबुक की आईडी बनाई इसने और दिल्ली के मोहित को एफबी के माध्यम से फंसाया, और उस लड़की को, उस लड़के के जो मोहित है, मोहित इसके चक्कर में फंस गया और अंततोगत्वा मोहित की एक साल की बेटी को लेकर के ले उड़ी। और वहां जाकर के जब वो लड़का पूछते पाछते वो वहां इन लॉज के पास गया, उस नाजरीन के घर पर गोंडा में जाकर उसने पूछा, तो उसके बाप ने उसको धमकाया, डराया, मारने का और पूरा खत्म करने की धमकी दी, तो उसके बाद में उसका खतना कर दिया। वहां इस्लामिक जिहादी ने मिलकर के उस मोहित नाम के लड़के को न सिर्फ उसका पैसा लूटा और न सिर्फ उसकी बेटी को ले उड़े, बल्कि साथ साथ उसका खतना भी कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। और अब मजे की बात यह है कि वो मुर्गा जब एक दो फंस गए, अब तीसरे मुर्गे को फंसाने के लिए वो वापस प्रियंका बन गई। वो नाजनीन जो पहले सोनिया बनी, अब वो प्रियंका बन करके तीसरे लड़के को फंसा रखा है उसने। आप देखिए, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आप, मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक, आज ही उस लड़के से बात हुई है, ही इज फाइटिंग इन द कोर्ट सिंस मंथ्स, और दिल्ली के कोर्ट में बाकायदा कोई जाकर देख ले, वहां पर वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा। उसकी बेटी चली गई, उसका पैसा चला गया, उसका छोटा भाई सदमे का, बड़ा भाई उसका सदमे का कारण जो है वो उसमें मनोविज्ञान चिकित्सालय में है, पागलखाने में भर्ती है बेचारा, उसकी माँ बुरी तरह से परेशान है, वो लड़का बेरोजगार है। लेकिन कोई भी जिहादी आखिरकार उसके इसके जो जिंदा मौत की लाश बना हुआ, लेकिन बेचारा परेशान है।